बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि दिल्ली में पूसा के इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च परिसर में आज स्वावलंबी भारत अभियान के तहत स्थापित रोजगार सृजन केंद्र विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आरंभ हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम को 3 सत्रों में विभाजित किया गया, जिसमें युवा उद्यमिता सम्मेलन, मानसिक परिवर्तन हेतु स्वावलंबी भारत अभियान, एक जन अभियान तथा डिजिटल अभियान जन जागरण के माध्यम से विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संपूर्ण भारत से विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रथम सत्र में आरएसएस के सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने स्वरोजगार को ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में गायक व संगीतकार कैलाश खेर के स्वावलंबी भारत अभियान के एक वीडियो हम सबको आगे बढ़ना है का प्रमोशन भी किया गया। कैलाश खेर ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। जुहू इंटरनेशनल के श्रीधर वेम्बू ने भी अपने अनुभव साझा किए। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन कश्मीरी लाल चुग ने कहा कि भारत में 37 करोड़ युवा इंजन हैं, जिनको बस रास्ता दिखाना है। तीसरे सत्र में डिजिटल माध्यम से युवाओं को उनको अपने निवास के पास से रोजगार कैसे मिले विषय पर विचार रखे गए। मैं SBI पर किस प्रकार रोजगार प्राप्त करें की जानकारी साझा की गई। राष्ट्रीय विचार विभाग प्रमुख श्री धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि इस अभियान में कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर युवाओं तक पहुंचना है। इस कार्यक्रम में बीकानेर रोजगार सृजन केंद्र के संचालक रघुवीर शर्मा, बीकानेर विभाग संयोजक अशोक जोशी व बीकानेर विचार विभाग प्रमुख जयराम मांडा ने भाग लिया। Each and everything जो कंज्यूम होती है that was exported from India, but silver and gold. भारत केवल चांदी और सोना एक्सपोर्ट नहीं करता था, चांदी और सोना भारत बाहर से मंगाता था, और बाहर से आने वाले जहाज जो आते थे भारत में वापस वो खाली आते थे। दुनिया के किसी देश के पास भारत को कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए सामान नहीं था। But this was the condition of India 1000 years BC. भारत सिल्क के कपड़े एक्सपोर्ट करता था, भारत सूती कपड़े एक्सपोर्ट करता था, भारत कारपेट एक्सपोर्ट करता था, वूलन शॉल भारत एक्सपोर्ट करता था। भारत केवल आध्यात्मिक देश था, भारत केवल एग्रीकल्चर कंट्री था, ऐसा नहीं था। ये था, ये भी था, और इसके कारण जो वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर था भारत का 33-34% तक था, और 18th century तक भी भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर जो था वो 24%। हम तो पीछे देखे 75 साल क्यों देखे, हम 2000 साल 3000 साल पीछे देखे ना। भारत के गांव-गांव में इंडस्ट्री थी, भारत के गांव गांव में सिल्क का कपड़ा, ऊनन कपड़ा, सूती कपड़ा, कारपेट बनता था। भारत के गांव गांव में डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट थे, जहां भारत परफ्यूम्स डिस्ट्रीब्यूट करके वर्ल्ड मार्केट में भेजता था। क्या आपने दुनिया का कोई देश सुना है जो परफ्यूम एक्सपोर्ट करता हो?